सो हे गाइज, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, आपका भाई आ गया है फिर से नवरात्रि के ऊपर ख़तरनाक डीजे स्टेटस का ट्यूटोरियल लेकर, जो कि काफ़ी नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। सो गाइज, इस वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए, काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको पहले मैं प्रीव्यू दिखाऊंगा, फिर उसका स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के पहले प्रीव्यू देख लेते हैं, फिर मैं उसका फुल ट्यूटोरियल देता हूँ। लेट्स गो। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये प्रीव्यू स्टेटस कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लिए एक लाइक कर देगा। सो गाइस, इस टाइप का वीडियो एडिटिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एलाइट मोशन एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर पिन कर दिया है, और आपको मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप चाहे तो प्ले स्टोर से भी ईजिली इसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। देन आपको क्या करना है कि मेरे डिस्क्रिप्शन से सॉन्ग बीट मार्क और सिक इफेक्ट को दोनों को आपको अपने लाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, हमारा सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट और सिक इफेक्ट प्रोजेक्ट स्टेप से इंपोर्ट होने के बाद आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो गाइस, आपको क्या करना है कि सबसे पहले सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड स्टार्टिंग वाले बीट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद सिंपली प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके मीडिया में चले जाएगा। यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जिस फाइल में आपने फोटोज़ को रखा होगा, ठीक है। मैं सबसे पहले अपने यहाँ से एक फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस फाइल में मैंने फोटोज़ को रखा है। एंड आप उसके बाद क्या करना है कि फोटोज़ को ऐड करना है। तो गाइस, फोटोज़ को ऐड करने के लिए सिंपली फोटो पे क्लिक कीजिएगा, एंड राइट साइड में जो थ्री डॉट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इसे फिल कंपोजिशन एरिया पे कर दीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट बीट पे आके इसके स्टेप पार्ट को कट कर देना है, और आपको इसी तरह से सेकेंड फोटो को ऐड कर देना है एंड फिल कंपोजिशन एरिया पे कर देना है, ठीक है। सो गाइस, वन बाई वन करके इसी तरह से फोटोज़ को ऐड करना है। तो चलिए इसको करते हैं ऐड, और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइस, यहाँ तक आपको फोटो ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको ग्रुप एंड लेयर देखने को मिले होंगे। सो गाइस, यहाँ पे तो आपको सिंपली 9x60 के रेशियो में फोटो को क्रॉप करके ऐड करना है। तो इसके लिए हम लोग चलिए पहले हो जाते हैं बैक एंड प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके 9x60 का रेशियो सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। एंड यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके आप जिस भी फोटो को ऐड करना चाहो उस फोटो को आपको 9x60 के रेशियो में क्रॉप कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ से क्लिक करके करंट फ्रेम में PNG का ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, मैंने यहाँ पे बहुत सारे फोटोज़ को एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ। इस प्रोजेक्ट को मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ एंड अपने सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट के पास आ जाता हूँ। और गाइस, हमारा जो ग्रुप था यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। एंड आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड में इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, मैंने बैकग्राउंड इमेज एक सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने फाइल से जाके, ये बैकग्राउंड मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एंड उसके बाद हमें ऊपर वाले लेयर पर क्लिक करना है, इमेज वाले लेयर पर, एंड कलर एंड फिल का ऑप्शन में चले जाना। एंड स्टार वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने जिस भी फाइल में फोटोज़ को क्रॉप करके रखा होगा उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना। एंड आपको यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके फोटो को ऐड कर लेना है। तो गाइस, देख सकते हो हमारा फोटो पे इस तरह से ऐड हो चुका है ये वाला इफेक्ट। एंड नाउ जो यहाँ पे फिर से डबल बिट मार्क देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सिंपली फोटोज़ को ऐड करते हुए आना है एंड फिल कंपोजिशन एरिया पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको 20 सेकंड पे एक वीडियो क्लिप ऐड कर लेना है। वीडियो क्लिप को मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो क्लिप को ले लेना। तो गाइस, उस वीडियो क्लिप को मैं यहाँ पे आपको ऐड करके भी दिखा देता हूँ सिंपली। तो गाइस, ये रहा वो वीडियो क्लिप, आप देख सकते हो। इसी में जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो हमारा वीडियो क्लिप इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस, देख सकते हो ये हमारा नेक्स्ट डबल बीट मार्क तक हमारा ये वाला वीडियो क्लिप आ गया है। एंड उसके बाद यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हो ये सब लेयर्स हमारे हैं, इन सारे लेयर्स पे 9x60 का जो भी फोटो होगा आप उसे यहाँ पे 1x1 क्लिक करके कलर एंड फिल के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। चलिए गाइस, हम लोग इस तरह से सारे पहले फोटोज़ को ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप।
तो गाइस सभी फोटोज़ को ऐड कर देने के बाद आपको हो जाना है यहाँ से बैक, ठीक है। एंड आपको फिर से सेकी फेक ब्रेक के अंदर आ जाना है। मैंने आपको जो फर्स्ट फोटो वाला इफेक्ट प्रोवाइड किया है, सिंपली इस फोटो पे क्लिक करना है एंड इफेक्ट में जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट के अंदर मतलब ओपन कर लेना है एंड आपको जो फर्स्ट वाला फोटो दिया गया है इस फोटो पे क्लिक करना है एंड इफेक्ट में जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। अगर गाइज आपको ये जो लाइन में इलेक्ट्रिक इडेज जो इफेक्ट है इसका कलर चेंज करना है तो सिंपली आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक इडेज करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली यहाँ पे जो थ्री लाइन है इस पर क्लिक करना एंड नीचे स्क्रॉल करके आना। आपको यहाँ पे कलर यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, आप ब्लू कलर और कलर देख सकते हो। अगर आपको जो भी कलर चेंज करना हो आप सिंपली यहाँ से जाने के बाद चेंज कर सकते हो कलर में, ठीक है। तो गाइज देख सकते हो हमारा कलर यहाँ पे चेंज हो गया है एंड आप उसी तरह से अगर आपको चेंज करना है तो आप कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कलर चेंज कर दिया हूँ एंड नेक्स्ट वाले फोटो पे अप्लाई करके यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूंगा। तो आपको भी इसी तरह से अगर कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से चलेगा जो हम अपना इसको ऐड कर लेते हैं। तो भाई इससे आपको वन बाई वन करते हुए नेक्स्ट डबल बीट मार्क तक ऐड करना है, ठीक है। यानी हमारा अगला जो डबल बीट मार्क है उससे पहले हमारे यहाँ पे जितने भी फोटोज़ हैं उन सारे फोटोज़ पे इसे अप्लाई करना है। चलिए इसे करते हैं हम लोग अप्लाई और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइस फर्स्ट वाले इफेक्ट को अप्लाई कर देने के बाद आप देख सकते हो डबल बीट मार्क 10 सेकंड तक मैंने अप्लाई कर दिया है एंड इसके बाद आपको हो जाना है यहाँ से बैक और सेक इफेक्ट में आ जाना है। और आपको मैंने जो सेकंड वाला इफेक्ट दिया है इसे यहाँ पे क्लिक करना है एंड इफेक्ट में जाके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड कॉपी इफेक्ट करने के बाद सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है एंड उसके बाद आपको आ जाना है जो टाइमिंग मैं बता रहा हूँ उस टाइमिंग पर आ जाना है 11:14 सेकंड पर। सिंपली आपको यहाँ पे जो फोटो देखने को मिलेगा इस फोटो पे क्लिक करना है एंड इफेक्ट में जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। अभी हमने जो कॉपी इफेक्ट किया था यहाँ पे हम उसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड वन बाई वन करके यहाँ पे आपको फोटोज पे इफेक्ट को अप्लाई करते चलना है। तो इसे भी आपको नेक्स्ट डबल बीट मार्क तक ऐड करना है, मतलब हमारा आगे वाला जो डबल बीट मार्क है वहाँ तक आपको वन बाई वन करके सारे फोटोज पे सेकंड वाला इफेक्ट को अप्लाई करते चलना है। तो चलेगा इसको भी करते हैं थोड़ा सा ऐड एंड वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइस सेकंड वाला इफेक्ट को ऐड कर देने के बाद आपको यहाँ से हो जाना है बैक एंड इफेक्ट प्रोजेक्ट में आने के बाद हमारा जो थर्ड वाला इफेक्ट है लास्ट वाला इफेक्ट इसे भी आपको यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड कॉपी इफेक्ट करने के बाद सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेना है एंड आपको आ जाना है मैं जो टाइमिंग बता दे रहा हूँ टाइमिंग पर आ जाना है। यहाँ पे जो वीडियो क्लिप है इस वीडियो क्लिप के बाद आपको जो टाइमिंग यहाँ पे 32:27 सेकंड का डबल बीट मार्क देखने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे जो आपको फोटो देखने को मिलेगा सिंपली इस फोटो पे क्लिक करना है एंड इफेक्ट में जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से लेकर लास्ट वाले फोटो तक आपको वन बाई वन करके सभी फोटोज़ पे ये थर्ड वाले इफेक्ट को ही अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको गाइस क्या करना है कि वन बाई वन करके सारे फोटोज़ पे अप्लाई कर देना है। इसमें भी आप चाहे तो इलेक्ट्रिक इडेज का जो कलर ऑप्शन है आप चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से मैं लास्ट तक सारे फोटोज़ में देख सकती हूँ गाइज ऐड कर दिया एंड ऐड करने के बाद आपका वीडियो कंप्लीट बन जाएगा और आपको वीडियो को क्या करना है एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइज आई होप कि आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लिए एक लाइक कर देगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि गाइज आपका भाई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहता है। सो गाइज मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।